स्वागत है दोस्तों आपका ऊर्जा फिटनेस पे। आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो थोड़ी साइंटिफिक है और स्पेशली उन लोगों के काम आएगी जो अच्छे लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये पूरी सीरीज के अंदर हम लोग हॉर्मोन्स की बात करेंगे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हॉर्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और जो अपनी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है उसमें हॉर्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट है और हॉर्मोन्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। तो हम काफ़ी सारे हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज का पहला जो एपिसोड है हम लोगों का वो शॉर्ट एपिसोड है बहुत, जिसमें मैं आपको पूरी सीरीज की इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे पहले हॉर्मोन के ऊपर जो हमारे अगले एपिसोड के अंदर होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा हॉर्मोन्स हैं क्या, उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आपकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, सेल करोड़ों अरबों सेल्स आपकी बॉडी के अंदर हैं। अब ये सेल जितनी हेल्दी होगी और जिस स्ट्रेंथ में होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगी। अब सेल को चेंज कौन करता है, सेल को चेंज करते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वो कंपाउंड्स हैं, वो केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर डेवलप होने वाले जो हमारी सेल को सिग्नल देते हैं चेंज होने के लिए। और हॉर्मोन्स कहाँ से बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं ग्लैंड्स से। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, वो अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हॉर्मोन्स बनाती हैं और इन ग्लैंड के पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम में काफ़ी सारी ग्लैंड्स होती हैं और काफ़ी सारे हॉर्मोन्स होते हैं। कुछ हॉर्मोन ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं, कुछ हॉर्मोन ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर काम नहीं आते। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको। जैसे एक मेल बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेल बॉडी के अंदर जो टेस्टीज होते हैं टेस्टिकुलर फंक्शंस के थ्रू, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन डेवलप करते हैं, जिनका काम होता है बॉडी के अंदर मसल बिल्ड करना। और भी बहुत सारे काम हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी मसल बिल्डिंग हॉर्मोन इन द मेल बॉडी। ये हॉर्मोन फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है बट बहुत ही कम क्वांटिटी में बनता है और इसीलिए फीमेल्स के अंदर मसल्स कम होती हैं। तो ये एक ग्लैंड होगी, टेस्टीज इज अ ग्लैंड और उससे निकलने वाला हॉर्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो हमारी सेल्स को मसल सेल्स को सिग्नल देता है ग्रो करने का और इस तरह से मसल सेल्स ग्रो होती है। तो ये एक एग्जांपल हुआ एंडोक्राइन सिस्टम की एक ग्लैंड और उस ग्लैंड से बनने वाला हॉर्मोन और वो हॉर्मोन हमारी सेल को क्या सिग्नल देता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती है जिसमें से एक हॉर्मोन है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। ये TSH क्या करता है, यहाँ से ट्रेवल करता है थायराइड ग्लैंड को और उसको T3 और T4 प्रोड्यूस करने का सिग्नल देता है। तो ये कनेक्शन हुआ आपके पिट्यूटरी और थायराइड के बीच में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, जैसे इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है, पैनक्रियास ग्लैंड जो है वो इंसुलिन बनाती है जब भी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर कंट्रोल करने का काम होता है और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में पहुंचाने का काम होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे हॉर्मोन्स हैं और ये सारे हॉर्मोन्स हमारी सेल्स को सिग्नल देते हैं चेंज होने के लिए। अब इन सभी हॉर्मोन्स को आप नेचुरली ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने खाने से, अपनी स्लीप से, सप्लीमेंटेशन से, उसके अलावा अपनी एक्सरसाइज के थ्रू आप इनको नेचुरली ऑप्टिमाइज कर सकते हो और वहीं पर आप एक अच्छे नेचुरल बॉडी बिल्डर बन सकते हो और नेचुरली एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हो अगर आप इन सभी हॉर्मोन्स को बैलेंस करना जानते हो तो। क्योंकि जब तक हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे आपकी बॉडी अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल सकती। दूसरा तरीका क्या होता है, इस तरह के हॉर्मोन्स की एक लिमिट होती है बॉडी में प्रोडक्शन की। तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, इस तरह के हॉर्मोन्स को बाहर से इंजेक्ट करते हैं और बॉडी की लिमिटेशंस को क्रॉस करके एक अमेजिंग फिजिक निकाल के आते हैं जो नेचुरली पॉसिबल नहीं हो सकता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हॉर्मोन्स का इस्तेमाल। दैट इज़ अनसेफ और हम लोग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। एंड आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट अ पर्सन हु नोज द स्टफ और मैं सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी कही हुई बातें गलत भी हो सकती हैं तो प्लीज़ आप कुछ भी करें तो अपने डॉक्टर का की सलाह लेकर करें। आई एम नॉट अ डॉक्टर। और इस तरह से आपकी बॉडी चेंज होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे काफ़ी सारे हॉर्मोन्स हैं, हम हर हॉर्मोन की बात करेंगे, वो हॉर्मोन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में किस तरह से इस्तेमाल होता है और कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और थर्ड थिंग इज़
आपकी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स बनते हैं उनको बाहर से इंजेक्ट करके स्टेरॉइड्स की फॉर्म में कैसे बॉडी बिल्डर बॉडी बनाते हैं और उनको किस तरह से बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कुछ अगर आप लोगों के सामने हॉर्मोन्स की बात करूं, जो मेजर हॉर्मोन्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इंसुलिन डिस्कस करेंगे, हम लोग टेस्टोस्टेरोन डिस्कशन करेंगे, एस्ट्रोजन डिस्कशन करेंगे, उसके अलावा HGH डिस्कशन करेंगे, पेप्टाइड्स डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कॉर्टिसोल और कुछ और हॉर्मोन्स उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पहला वीडियो था इस सीरीज के, और भी काफ़ी सारे वीडियोज अभी आना बाकी हैं। साइंटिफिक सीरीज है, सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न सम साइंटिफिक थिंग्स अबाउट द ह्यूमन बॉडी, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।